नमस्कार ते गुड मॉर्निंग। ये वीडियो पंजाबी भाषा च है। इहदा जो टाइटल है कनेडा दे विस्टर वीजे दे फ्लड गेट खुलन वाले ने। इस दे बारे तुसीं ऑलरेडी रेडियो विच ते अखबारां च न्यूज़ सुन चुके ने। हो की रहा है कि उन्हां दी तजवीज है कि 1 फरवरी 2023 तो जिहड़े उह पहलां 2 ऑब्जेक्शन लगाउंदे सीगे उह ऑब्जेक्शन कुछ समय लिए नहीं लगाए जाएंगे। 2 मेन ऑब्जेक्शन की सीगे कि यू विल नॉट गो बैक टू योर होम कंट्री, कि तुसी भारत वापस नहीं जाओगे। दूजा तुहाडे कोल बैंक दे विच फंड्स किन्ने ने, ये दोनों चीज़ों के उत्ते लीनियंसी होने का आस है जिहड़ी कि 1 फरवरी 2023 तो उम्मीद की जा रही है। मैं तुहानूं इस वीडियो पंजाबी भाषा दसूँगा कि विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होंदा है। बहुत सारे लोग रोई कुरलाई जाते हैं भी विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होंदा है। ये लगभग 17 कारण ने। मैं तुहानूं मोटा मोटा दसूँगा, जे तुसी डिटेल विच गल करनी चाहोगे तुसी साडे पिछे दिते गए नंबरां ते फोन कर सकते जी। साडा दफ्तर सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस बेस ते चलदा है, जिहड़ा कि कनेडा दे लोकां वल्लों चलाया जांदा है। तो इसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपया विजिटर वीजे ते लई जांदी है। असीं कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाउंदे और ताडी एप्लीकेशन इस तरीके नाल लाउंदे आ तां कि तुसी कनेडा जाके इहनूं वर्क परमिट विच कन्वर्ट कर लो। मैं तुहानूं वीडियो स्टार्ट करन तों पहलां 2-3 चीज़ां दसूंगा। जे तुसी जिंदगी च कामयाब होणा हो, चाहे तुसी स्टडी परमिट ते जा रहे जी, चाहे वर्क परमिट ते जा रहे जी, चाहे विजिटर वीजे ते जाके तुसी उहनूं वर्क परमिट कन्वर्ट करवाउणा, 2 शहरां च बिल्कुल ना जाओ। तुहाडे पैसे भी जा लगणगे, तुहाडा हेराफेरी भी होएगी, तुसी धक्के भी खाओगे, अखीर च पक्के नहीं हो पाओगे। चाहे तुहाडे रिश्तेदार ये 2 शहरां विच ने, तुसी सिंपली उत्थे जाओ और उस तों बाद सीधे फ्लाई करके अलबर्टा, सैस्कैचवन, मनीटोबा या अटलांटिक जोन तुसी चले जाओ। एक बार तुसी उत्थे कनेडा च पक्के हो जाओ, फिर उही 2 सूटकेस चक के आपके रिश्तेदार को वापस आ जाओ। कोई समस्या वाली गल नहीं है। सो क्योंकि कनेडा दे विच जब आप विजिटर वीजे की फाइल लाने उत्थे इंटरव्यू नहीं होंगी, उत्थे सिंपली तुहाडी फाइल के उत्ते विचार की जाती है। तो जे इहदी अजकल कोई भी तुहानूं एजेंट मिसलीड करता है कि मैं उत्थे सिफारिश कर सकता है, मैं उत्थे रिश्वत दे सकता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं चलता। इसका फैसला कुकली कनेडा शहर या कनेडा दे देश विच हुंदा है। उत्थे उन्होंने पंजाबी हिंदी ते गोरियां दा रिक्रूटमेंट की हुई है। ताकि एप्लीकेशन जी उन्हों को जाती है, उन्होंने सारिया हेराफेरियों का पता है कि भारत में किस तरह की हेराफेरी होंगी है। पहला वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, हुण टोटली इहदा सिस्टम रेगुलेटेड कनेडा तो हुंदा है। सिर्फ एमरजेंसी वीजा किसी की डैथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो दिल्ली तो या चंडीगढ़ तो डील किया जाता है, बाकी सारा सिस्टम कनेडा में है। सो फस्ट जरा पहलिया 2 ऑब्जेक्शन से इन्होंने ही लीनियंसी दी जानी है। तो मैं तुम्हें दसदा लैकिंग स्ट्रोंोंग फैमिली टाइज टू होम कंट्री, जिसे आप अक्सर सुनते सी कि तुम कनेडा आके वापस भारत नहीं जाओगे। नंबर 2, स्ट्रोंोंग फैमिली टाइज इन कनेडा। जब तुम आपकी फाइल लाने जे तुम बहुत ही रिश्तेदारियाँ कनेडा च ना दसो, वह कारण की होंगे उत्थों वीज़ा अफसर को साफ पता लगता है कि तुसी एक बार कनेडा आ गए तुसी वापस भारत नहीं जाना। तुसी सिर्फ एक चीज़ का ध्यान करो कि जब तुसी कनेडा पक्के होना है तो तुहानू उत्थे एक सवाल आना है कि ताडा कोई क्लोज रिलेटिव जिहड़ा ब्लड रिलेटिव रिलेशन हुंदी है वो ताडा कोई कनेडा च है, उहदे तुहानू 5 नंबर मिलते हैं। तुसी सिर्फ एक रिश्तेदार दसो, एक तो वध रिश्तेदार बिल्कुल ना दसो। नंबर 3, ट्रैवल हिस्टरी। मैं तुहानूं इह गल साफ दसदा कि जे तुहाडा अमरीका का पहला वीज़ा रद्द होया तो तुहानूं कनेडा का वीज़ा नहीं देना, अंटिल अनलैस के तुसीं उत्थे कोर्ट विच किसी वकील दे राहीं केस करो तो फिर तुहानूं उस तों राहत मिल जाए। दूसरा की है कि जे तुसीं पहला कोई कनेडा का वीज़ा लाया सी, जिस डेट नूं लाया सी उस तरीक तक तुसीं कोई इनफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, उस तो बाद की इनफॉर्मेशन बदल सकते जी। तुसी एक गल छुपा नहीं सकते, ये डाटा एक बार तुसी जब लाता एक कंप्यूटर चढ़ गया, अगले 50 साल कंप्यूटर
तो नहीं उतरन वाला। सो जेकर तुसी ऐसी गलती करोगे तो 5 साल का तुहाडे ते बैन लग सकता है। परपज ऑफ विजिट देखो कि यह 6 महीने का बिल्कुल वीज़ा अप्लाई विजिटर वीज़ा बिल्कुल अप्लाई नहीं करो तो नहीं मिलने वाला। मैं तुम दसूँगा 15 दिन तो लैके 1 महीने का वीज़ा तुसी अप्लाई करो। किसी के ब्याह शादी है, 18वां जन्मदिन है, किसी की इंगेजमेंट सैरेमनी है, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है। हाउस वार्मिंग किनू कहते हैं, जब ये हिंदू धर्म आता है कि जब आप नवा घर बनाने तो आप मूव करना होंगे है, उसे मतलब वास अपना समानशिप करना होंगे है, तो उदो एक सैरेमनी की जाती है, उन्होंने कहते हैं कनेडा च हाउस वार्मिंग पार्टी। फिर किसी ये जेडे ए वीज़े ने ये 15 दिन तो लैके 1 महीने तो बाद बिल्कुल भी ट्राई ना करो, तुम वीज़ा नहीं मिलेगा, उल्टा रद्द हो जाऊगा। देखो तुम ध्यान देखो, पहली बार तो तुम उन्ने दिन ही जाओगे, बाद चो तुम वीज़ा दिता मल्टीपल वीज़ा, फिर तुम 6 महीने उत्थे रह सकते जी। सो इन्ना तुम कंप्रोमाइज़ करना पेगा। सिर्फ 3 स्थितियां के विचकार तुम वीज़ा लंबा मिल सकता है। जे किसी लेडी की उत्थे डिलीवरी है, तुम उसके बच्चे की देखभाल करनी है, या पेरेंट्स ने आपके बच्चों को ले रहना है, कोई लड़की स्टडी वीजे पर है तो वो मदर उसकी हेल्प कर जा रही है ताकि वो आपका पढ़ाई वाल ध्यान कर सके, उस स्थिति में तुम 6 महीने का वीज़ा अप्लाई कर सकते जी, मिल सकता है, बाकी कैटागरिया नहीं। सो परपज ऑफ विजिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है विजिटर वीजे। फिर आ गया 5 फाइनैशियल स्टेटस। देखो जे तुहाडे कोल पैसा ही नहीं है, जबकि कनेडा की रिटर्न एयर टिकट खुद ही 2 लाख रुपए की है, तो तुम कहते जी मेरे बैंक 2 लाख रुपए है, उन्होंने कनेडा नहीं जा सकते। कनेडा की सरकार ये बिल्कुल भी मनने तैयार नहीं है कि ताडा जिहड़ा कनेडा रहिंदा रिश्तेदार है वो ताडे उत्ते पैसे खर्चेगा। सो तुम आपके बैंक में 4 महीने पुराने फंड दिखाने जरूरी ने, यह पैसा कितों आया ये भी नाल सबूत देना जरूरी है कि पैसा कितों आ रहा है। ताडा फादर मदर दादी दादा नानी नाना ताडी सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने तुम एक एफिडेविट लेना होंगे है कि बई जे मैं ये फंड बच्चे को कनेडा घूमने के लिए दे रहा है तो मैं वापस इस को पैसे नहीं मांगूंगा। और ये भी फंड तुम तद तक ले सकते जी जब तक तुम ब्याह नहीं जाते या 22 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर देंगे, उस तो बाद इस चीज़ के हकदार नहीं रहेंगे। सो जिन्हें फाइनैशियल स्टेटस की सपोर्ट करने वास्ते तुम पे स्टब दिखा सकते जी, इनकम टैक्स दी रिटर्न दिखा सकते जी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिहड़ा तुहाडा बैंक खाता है वो 6 महीने का तुम स्टेटमेंट दे सकते जी, प्रूफ ऑफ फंड दे सकते जी, होर कोई तुहाडे कैश वैल्यू है। जे तुम ये कहो कि मैं सोना बेच के कनेडा जाना है, इनू किसी ने मनना नहीं। तुसी प्रोविडेंट फंड है या पेंशन के पैसे तुम आ रहे हैं, कहते जी ये मेरा इनकम है मैं कनेडा को देना है, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि कनेडा के वीज़ा अफसर भी ह्यूमन बीइंग ने, उन्होंने भी माँ बाप ने, उन्होंने भी बच्चे ने। सो तुसी कोई भी ऐसा तरीका ना वरतो जिहड़ा कि इनह्यूमन होए। नैक्सट है इंप्लॉयमेंट स्टेटस। देखो की हुंदा है कि जे तुहाडे कोल रेगुलर स्टेबल इंप्लॉयमेंट नहीं है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, तो तुहानू वीज़ा लगना मुश्किल है। देखो जे तुसी कोई नौकरी कर रहे जे चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, तुसी लीव ऑफ एबसेंस, लीव ऑफ एबसेंस की हुंदा है कि वो बंदा तुहानू आपके लैटर हैड ते लिख के देगा कि मैं इनू इन्ने दिनों की छुट्टी आपके परसनल प्राइवेट लाइफ वास्ते दे रहा है, जदों इहदी छुट्टी खत्म होगी वापस इसे ही ड्यूटी पर हाजिर होगा। हुण तुसी आप ही ध्यान कर लो कि तुसी आपकी एप्लीकेशन लिख देंगे 6 महीने का जी, तुहानू 6 महीने का किहड़ा इंप्लॉयर छुट्टी दे देगा, नॉट पॉसीबल। फिर की है जे तुसी आपका बिजनेस कर रहे जे और तुसी उहदे विच भी 15 दिन तो वध नहीं अप्लाई कर सकते हो, वध वध 1 महीना तुसी आपका पर्सनल लाइफ भी कह सकते जी। नैक्सट है लेंथ ऑफ प्रपोज स्टे 7 भी तुसी किन्ना चिर कनेडा च रह रहे, तुहानू एक ही प्रपोर्शनेटली देखा जाता है कि तुहानू पैसे किन्ने ने ते तुसी कनेडा च किन्ने दिन रहना है। इन्हां दोनों चीज़ां नू तुहानू तालमेल करके ही फैसला करना पवेगा। फिर आ गई होस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, इनू सारे सुन लो, चाहे कोई कनेडा च रह रहा है चाहे कोई भारत में रह रहा है।
जिहड़ा बंदा भी आपके रिश्तेदार इनवाइट कर रहा है उन्हूं ये 6 डाकूमेंट्स की मिनीम लोड पैंदी है। नंबर 1 एक हुंदा कवर लैटर जिहड़ा कि स्टेटमेंट ऑफ परपज हुंदा है। मैं अक्सर की देखता है कि उत्थे नोटरी पब्लिक्स ने आपके कंप्यूटर के विचकार लैटर पा छड्डे है बंदे का नाम उहदे घर का एड्रैस उहदा सोशल इंश्योरेंस नंबर ते बैंक की डिटेल चेंज करके बाकी कॉम्स लैटर सारे इको टाइप का दे जाते हैं। इनू कहिंदे प्लैगरिज्म कनेडा की भाषा में। इहदा मतलब की हुंदा है कि तुसीं नकल मार के दूजे का फार्म दे रहे जे उस कंप्यूटर सीधे ही रिजैक्ट कर देगा ताडा वीजे ते ईवन देखे कोई फाइल नूं देखेगा भी नहीं। सो जिन्हें भी किसी ने आपके रिश्तेदार नूं भारत तों बुलाउणा है उन्हों आपका लैटर पहले चाहे पंजाबी बनाओ चाहे अंग्रेजी बनाओ तुसीं बना के उहदे उत्ते नोटरी पब्लिक दे साइन कराओ। अक्सर सारे ही जिहड़े कनेडा ने उन्हां नूं टाइपिंग आउंदी है तुसीं घरे एक आपका लैटर बना के उन्हों ईमेल कर लो नोटरी पब्लिक नूं ते ओ फिर उहदे विचकार उहदी स्टैंप लगा लो वो एक बैटर तरीका होएगा। नंबर 2 प्रूफ ऑफ फंड जिहड़े बंदा बुला रहा है स्पॉन्सरशिप दे रहा है वो ते कोल पैसे हैगे या नहीं हैगे उनको घर हैगा नहीं हैगा उहदे घर किन्ने कमरे ने कि उहदी वाइफ नाल उहदे साइन कर रही है या नहीं कर रही है। नोटिस देखो नोटिस ऑफ असैसमेंट कनेडा विच झूठ तां कोई बोल ही नहीं सकदा सारे ही 31 दिसंबर को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। तुसी आपकी रिटर्न फाइल करके घट्टो घट 2 साल की वो इनकम टैक्स स्टेटमेंट लगाओ ताडा आईडी प्रूफ दो ताडी कनेडा स्टेटस की है तुसी स्टूडेंट जे विजिटर जे परमानेंट रेजिडेंट जे या सिटीजन जे। बैंक विच जाओ ताडे बैंक नूं जिहड़ा ताडा टेलर हुंदा है उन्हों रिक्वेस्ट करो कि मैं किसी को स्पॉन्सर करना है वो तुम्हें एक स्टेटमेंट कट के दाएगा वो कनेडा की सरकार का निर्धारित फार्म है वो तुम्हें देना पड़ेगा। फिर चाहिए आईडी प्रूफ ये तुम्हें 6 डाकूमेंट चाहिए ने जे तुम ये डाकूमेंट इंडिया वाले बंदे नहीं भेजोगे तुहाडा विजिटर वीजे की जी स्पॉन्सरशिप है वो इनकम्प्लीट है। फिर की है नंबर 9 एज ऑफ एप्लीकेंट जिहड़ा बंदा भारत तो कनेडा जा रहा उसकी उम्र कितनी है। मोस्टली की हुंदा है यंग जनरेशन अनमैरिड बंदे नूं वीजा बहुत घट लगता है पर फिर तुसीं जब हुण जब पहली फरवरी तों बाद लीनियंसी हो रही है तुसीं ट्राई कर सकते हो। मार्शल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट नंबर 15 मिस रिप्रजेंटेशन देखो मैं तुहानूं पहला भी आपकी वीडियो दस चुका है कोई भी गलत दस्तावेज ना लगाया होया ये आज उन्हें चेक नहीं करना जदों तुसी कनेडा जाके इनू वर्क परमिट कन्वर्ट करना है या कनेडा पक्के होने की फाइल लानी है तुसी कोई भी जाली दस्तावेज लगा दिता तो ताडा एप्लीकेशन का भोग पै जाना है तुहानू वापस डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ेगी। फोटो नंबर 10 जे फोटो ताडी कनेडा के स्पेसीफिकेशन मुताबक नहीं है फिर भी ताडा ये वीज़ा नहीं मनाया जाऊगा। जब तुसी गलत फोटो लाओगे उतो ये गिना जाता है कि तुसी आपकी जिहड़ी चेहरा है उन्हूं चेंज करने की कोशिश कर रहे जे क्योंकि तुसी कोई जाली काम कर जा रहे जे। नंबर 13 कई बार तुसी की करते जे पूरे परिवार का इकट्ठा ही वीजे की एप्लीकेशन ला देंगे जी उहदे सपोज करो कि तुसी 4 जणयां दा एप्लीकेशन लगाई एक बंदे की इनएडमिसिबिलिटी है उन्हें कोई उल्टा सीधा काम किया है वो बाकी 3 की भी एप्लीकेशन रद्द हो जाती है। सो तुसीं आपकी फाइल लगाओ $185 तो तुहानूं देने ही पैने पर परसन। सो तुसीं आपकी फाइल अलग अलग करो हसबेंड वाइफ भी इकट्ठे फाइल बिल्कुल ना लाओ पहला घर वाले का ला लो फिर हफ्ते बाद घर वाले का ला लो तो तुहाडा काम सौखा हो जाएगा। नंबर 14 जे फार्म सही तरीके तुसी नहीं फिलअप करोगे विजिटर वीजे की फाइल ना लगभग 5-6 फार्म लगते हैं जे तुसी सारे फाइल फार्म नाल नहीं लगाओगे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। नैक्सट नंबर 15 ओवरस्टे इन एनी अदर कंट्री किसी भी देश में तुसी जे ओवरस्टे पहला कर चुके जी तुहानू कनेडा का वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि वो इनफॉर्मेशन कंप्यूटर अपने आप आ जाती है ये UNO की तरफों रेगुलेटर होंगे जिस भी कंट्री तुसी ओवरस्टे करोगे उन्हें तुहाडी इनफॉर्मेशन कंप्यूटर उत्ते पा देनी होंगी है तो उत्थों तुसी पकड़े जाते हैं।
नंबर 16 क्रिमिनल केस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट यू, जे भारत तुहाडे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस है तां तुहानू भारत तों कनेडा जाण लई विस्टर वीजा नहीं मिल सकदा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅਸ।